हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। हम करने वाले हैं इस बुक में 8th चैप्टर एंड द 8th चैप्टर इज जेंडर। सो जेंडर क्या होता है बच्चों? जेंडर होता है जब हम किसी चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे लड़का लड़की। सो सबसे पहले कॉमन तो यही होते हैं, लड़के को कहते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर, और जो भी चीज़ फीमेल होती हैं या कोई एनिमल हो गया या पर्सन हो गया, उन वो जो फीमेल होती हैं उन्हें कहते हैं हम फेमिनिन। सो जेंडर इंडिकेट्स, जेंडर ये बताता है हमें वेदर अ पर्सन और एनिमल इज मेल और फीमेल, कि जो एक पर्सन और एनिमल है वो मेल है या वो फीमेल है। इट मे ऑल्सो बी नीदर मेल नॉर फीमेल। कई बार ऐसा भी होता है कि ना वो मेल होता है और ना वो फीमेल। फिर वो किस कैटेगरी में आता है मैं आपको आगे बताऊंगी। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 4 जेंडर्स के बारे में। सो वो नाउन जो डिनोट करते हैं मेल पर्सन और एनिमल को। जब हम मेल पर्सन और एनिमल की बात कर रहे होते हैं तो वो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जब हम फीमेल पर्सन और एनिमल की बात कर रहे होते हैं उन नाउन्स को हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर, राइट? सो ये तो बहुत कॉमन है, मैस्कुलिन फेमिनिन। अब वो नाउन जो डिनोट करते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन। सो जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ज़्यादातर जो हम उन्हें समझें, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो उन पीपल को डिनोट करते हैं जो फेमिनिन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और मैस्कुलिन के लिए भी, जैसे टीचर, डॉक्टर, नर्स। जब हम इन नाउन्स को बोलते हैं हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की। सो इस तरह के जो नाउन होते हैं वो आते हैं कॉमन जेंडर की कैटेगरी में, ओके? सो जो मेल पर्सन और एनिमल को डिनोट करते हैं उन्हें कहते हैं मैस्कुलिन, जो फीमेल पर्सन और एनिमल को डिनोट करते हैं नाउन उन्हें कहते हैं फेमिनिन नाउन। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफलेस होती हैं या फिर अब्स्ट्रैक्ट नोशंस जो होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूटर जेंडर। नाउ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें ये नहीं पता लगने देते कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की, उन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जेंडर ऑफ अ नाउन कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द पर्सन और थिंग रेफर टू। सो जेंडर चेंज हो सकता है, ओके? डिपेंड करता है किसके लिए यूज कर रहे हैं। नाउ वी हैव द एक्सरसाइज हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फेमिनिन पेयर यू कैन फाइंड इन द बॉक्स। सो इस बॉक्स में से हमें करेक्ट पेयर लिखना है। सो फॉक्स, फॉक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? विक्सिन। सो ये है इसका फेमिनिन जेंडर। सो बच्चों आपको ये लर्न करना है, राइट? आपको इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, आपको इसे लर्न करना है। नाउ राम, ईयू। राम का फेमिनिन जेंडर है ईयू। सो आपको इसे लर्न करना है, मैं आपको बार बार ये चीज कह रही हूं बच्चों। टाइगर, टाइग्रेस, राइट? कॉक, हेन, ओके? सो यू विल लर्न इट, ओके? आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। स्टैलियन, अब स्टैलियन क्या होता है बच्चों? स्टैलियन कहते हैं हम मेल हॉर्स को, और फीमेल हॉर्स को हम कहते हैं मेयर, राइट? डॉग, बिच। नाउ वी हैव बोर, सो इसका फेमिनिन जेंडर होता है सो। एंड ड्रेक, डक, ओके? सो ड्रेक का फेमिनिन जेंडर है डक। सो वी हैव हियर स्टैग, और स्टैग का होता है डोए, ओके? गैंडर, गूस,
राइट। चलिए आगे चलते हैं, ड्रोन। अब ड्रोन क्या है बच्चों? ड्रोन क्वीन, लायन लायनेस, बुल काउ, एंड पीकॉक पिहन। सो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है बच्चों, बट यू विल लर्न इट इन योर होमवर्क। आप इसे अपने होमवर्क में लर्न करोगे, तभी आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और आपको इजीली एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट कर पाओगे अगर आप इन जेंडर्स को लर्न कर लेते हैं। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी एक्सरसाइज है, चेंज द नाउन्स इन द सेंटेंस टू देयर ऑपोजिट जेंडर। ओके, और री राइट द सेंटेंस, हमें इसको री राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग लव द डॉटर मोर देन हिज सन। सो किंग का क्या हो जाएगा बच्चों? क्वीन, राइट। लव द डॉटर, डॉटर की जगह लिख देंगे सन। मोर देन हिज का क्या हो जाएगा? हर, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? अब क्वीन की। सो डॉटर, सन की जगह आ जाएगा डॉटर। सो क्या सेंटेंस बनेगा? द क्वीन लव द सन मोर देन हर डॉटर। अब आप इसे अपनी नोटबुक में क्लियरली रीराइट करेंगे। पहले आप इसी पॉइंट को उतारेंगे और उसके बाद चेंज करके जो सेंटेंस बनेगा उसको लिखेंगे। ओके, सो द हंटर किल्ड अ डक, टू गीस एंड अ वाइल्ड फॉक्स। सो हंटर की जगह आ जाएगा हंट्रेस। हंट्रेस किल्ड अ डक। अब डक का मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी बताएंगे। ड्रेक, यस, किल्ड अ ड्रेक, टू गैंडर एंड अ वाइल्ड विक्सन, राइट। अगर आपको ये लर्न होगा बच्चों तो आप इन सेंटेंस को जल्दी से बना पाओगे। सो द हंट्रेस किल्ड अ ड्रेक, टू गैंडर एंड अ वाइल्ड विक्सन। द सेल्स वुमेन, वुमेन की जगह यहाँ पे आ जाएगा सेल्समैन, सोल्ड द रिंग टू माय फादर। ओके, सिंपल हम नाउन्स को चेंज कर रहे हैं। द एम्परर इज नोन फॉर हिज काइंडनेस। सो एम्परर का क्या हो जाएगा? एम्प्रेस। द एम्प्रेस इज नोन फॉर हर काइंडनेस, बिकॉज हम यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं तो हिज का क्या हो जाएगा? हर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों, बस आपको इसे अपनी नोटबुक में क्लियरली नोट डाउन करना है। द डॉग बार्क्ड एट द ओल्ड वुमेन, द बिच बार्क्ड एट द ओल्ड वुमेन, द गूस रोड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। सो गूस का गूस ही रहेगा यहां पर, द रोड ऑन द बैक ऑफ द मेयर। द ब्राइड ग्रूम्स फादर इज द होस्ट ऑफ द पार्टी। सो द ब्राइड्स मदर, एपोस्ट्रॉफी एस ऐसे ही रहेगा, मतलब इसे हम लिखेंगे द ब्राइड्स मदर, राइट, इज द होस्ट नहीं होगा, अब वो हो गई है होस्टेस, होस्टेस ऑफ द पार्टी। सर का हमने कर दिया मैडम, दैट वुमेन इज एन एक्ट्रेस अंडर द डिस्गाइज ऑफ अ नन, राइट। सो इस तरह से बच्चों हमने सारे यहां पर जो नाउन्स थे सेंटेंस में हमने उन्हें ऑपोजिट जेंडर में चेंज कर दिया। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन सारे जो हमने चेंज किए हैं जेंडर, इन्हें लर्न करोगे और अपनी नोटबुक में क्लियर तरीके से लिख लेंगे। सो आगे चलते हैं हम। यस, दिस इज सी एक्सरसाइज, और इसमें हमने क्या करना है, अंडरलाइन द कॉमन जेंडर एंड एनसर्कल न्यूटर जेंडर इन ईच सेंटेंस। सो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, द यांकीज आर अ गुड बेसबॉल। बेसबॉल कॉमन, बेसबॉल
न्यूटर जेंडर, बिकॉज कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर. टीम, टीम क्या है, कॉमन जेंडर. आपको नहीं पता यहाँ पर आप मेल टीम की बात हो रही है या फिर फीमेल टीम की बात हो रही है. सो आगे चलते हैं. वी विल वी मीट द डॉक्टर टुमारो. अब हमें नहीं पता कि डॉक्टर क्या है, मेल डॉक्टर है या फीमेल. सो दिस इज द कॉमन जेंडर, हम इसको अंडरलाइन करेंगे. द ऑर्फन इज सिटिंग ऑल अलोन ऑन द बेंच. ऑर्फन मतलब बच्चों अनाथ, जिसके मामा पापा नहीं होते. ऑर्फन, दैट चाइल्ड इज कॉल्ड ऑर्फन. सो ऑर्फन, अब पता नहीं ये गर्ल है या बॉय, हमें नहीं पता, कॉमन जेंडर, इज सिटिंग ऑट ऑल अलोन द बेंच. बेंच इज अ न्यूटर जेंडर, लाइफलेस ऑब्जेक्ट. द ड्राइवर ड्राइव्स द बस. सो ड्राइवर, हमें नहीं पता मेल ड्राइवर बस ड्राइव कर रहे हैं या फीमेल ड्राइव्स द बस. अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड. सो चाइल्ड कॉमन जेंडर, वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. एंड प्ले ग्राउंड. जॉन सेट ऑन अ चेयर, चेयर एंड लुक्ड एट द टीचर. अब टीचर मेल है या फीमेल, वी डोंट नो. सो दिस इज कॉमन जेंडर. मदर लव्स हर चाइल्ड सेल्फलेसली. सो मदर लव्ड हर चाइल्ड. अब चाइल्ड वो गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकते हैं. माई डॉग शेडो लव्स टू चेज कार्स. सो कार्स क्या हो गए यहाँ पर, न्यूटर जेंडर. माई डॉग शेडो लव्स टू चेज कार्स. द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कुड बी मेल और फीमेल ऑल्सो, हैड मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. न्यूटर जेंडर बिकॉज लाइफलेस ऑब्जेक्ट है. ओके, सो इस तरह से आपको ये करना है. नाउ अब हमें इसमें एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों. मैंने आपको कहा अब्स्ट्रैक्ट नोशंस भी न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं. सो अब आप देखिए, मदर लव्स हर चाइल्ड सेल्फलेसली. सो दिस इज अ फीलिंग, सेल्फलेसली. ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ द आर्टिस्ट हैज मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. सो ये भी आएगा हमारा न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में, राइट. सो वी हैव द इंटरप्रिटेशन बॉक्स हेयर. द वर्ड न्यूटर मीन्स नीदर, विच इज नीदर मेल नॉर फीमेल. सो न्यूटर वर्ड का मतलब है नीदर, जिसका मतलब है ना तो वो मेल है और ना फीमेल है. सो वी गो अहेड नाउ. दिस इज आवर प्रोवोकेशन एक्सरसाइज. और इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है बच्चों, गेस विच एनिमल जेंडर आई एम. मैं कौन सा एनिमल जेंडर हूँ, और उसके बाद आपको लिखना है उसका ऑपोजिट जेंडर भी. ओके, सो चलिए. नंबर वन इज आई एम द मेल जेंडर. मैं मेल जेंडर हूँ. आई ग्रो लार्ज एंटलर्स इन समर. सो समर्स में क्या ग्रो हो जाते हैं, लार्ज एंटलर्स. सो यहाँ पर क्या है, लार्ज किसके होते हैं, वो डियर. ओके, और ऑपोजिट जेंडर क्या है, डोय, राइट. सो दिस इज क्लियर टू यू नाउ. नाउ नंबर टू इज आई एम द फीमेल जेंडर. ये है, अब हमें यहाँ पर फीमेल जेंडर पहले लिखना है. आई गिव बर्थ टू पपीज. कौन देता है, बिच. पपीज को बर्थ, और ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, डॉग. सिंपल, राइट. आई एम द मेल जेंडर. आई हैव अ फैंसी टेल. मेरी फैंसी टेल है दैट आई कैन डिस्प्ले. सो कौन है ये, पीकॉक. होती है ना बहुत सुंदर सी टेल, राइट. और इसका फीमेल ऑपोजिट जेंडर इज पी हेन, राइट. नाउ द फोर्थ वन, I am the female gender. Now, I give birth to a foal, mare. और opposite gender क्या था, I told you, stallion. Okay? So, what am I? Mare. The opposite gender is stallion. बच्चों, gender को अच्छे से करने का एक तरीका यही है कि हम इसे thoroughly लर्न कर लें, ताकि हमें जेंडर्स को डिफाइन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए. तो आई होप
that now you have understood the genders. So we have a composition topic here from your book Grammar Glitter ODC by Brain Root series. And this is a picture composition. Picture composition kya hoti hai bacho? Picture composition represent the thought which comes to the mind of the reader when he or she first sees the picture. तो जब हम कोई पिक्चर देखते हैं ना, हमें कोई पिक्चर दिखाई जाती है तो जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं और फिर जब हम उन्हें लिखते हैं तो वो होती है हमारी पिक्चर कॉम्पोजिशन. सो जैसे कि लुक एट द पिक्चर केयरफुली, अब हम इसको ध्यान से देखें एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट ईच पिक्चर, यूज़ द वर्ड बिलो द पिक्चर. जैसे कि यहाँ पर हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, सो trees, flowers, grass, birds, butterflies, bees, sky, ऐसे. So ये सारे यहाँ पर words दिए हुए हैं ना. So अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Trees, कुछ हमें lines लिखनी है. So trees, there were many trees in the garden. Okay, and आगे हम लिखेंगे I saw many beautiful flowers too. मैंने बहुत सुंदर सुंदर beautiful flowers भी देखे. बटरफ्लाइज की बात करनी है, बटरफ्लाइज वर ऑन द फ्लावर्स एंड दोज वर वेरी ब्यूटिफुल. सो इस तरह से बच्चों हम इन पिक्चर कॉम्पोजिशंस की लाइंस को लिख सकते हैं. ओके, सो अब आप लिखेंगे इन वर्ड्स को यूज करके इस पिक्चर कॉम्पोजिशन को देखकर आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं प्लीज़ राइट इट ऑन अ पेपर और इन योर नोटबुक. ओके, सो अब आपको पता चल गया है कि पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होती है. जब हम कोई पिक्चर को देखते हैं, किसी पिक्चर को, तो जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं और हम उन्हें राइट डाउन करते हैं तो वो होती है हमारी पिक्चर कॉम्पोजिशन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.